नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विन चौहान है। आई होप यू ऑल वेल। और आज की वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजफुल होने वाली है। जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा, आज मैं जो है आपको ऑप्शन चेन देखना भी सिखाऊंगा और ऑप्शन चेन की मदद से किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं वो भी सिखाऊंगा। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होगा कि मैं आज आपको लाइव ट्रेड करके दिखाऊंगा ऑप्शन चेन की मदद से, जिससे आप ये सीख पाएंगे कि मार्केट खुलने से पहले या करंट मार्केट में आप कैसे पता लगा सकते हैं कि भाई मार्केट ऊपर जाने वाला या नीचे जाने वाला, या मार्केट का जो दायरा है कि कितने दायरे में मार्केट रहने वाला है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, एक अगर ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं, तो आपके लिए एक चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि मार्केट अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, यहाँ से नीचे जाने वाला है। ज़्यादातर ट्रेडर यही गलती करते हैं और अपना लॉस करवा लेते हैं। जब मार्केट जो है अपने रजिस्टर या सपोर्ट पे होता है, तभी वो जो है ट्रेड लेते हैं और उससे मार्केट जो है अपोजिट मूवमेंट करने वाला लगता है और फिर उनका लॉस हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मार्केट जो है अपने सपोर्ट लेवल पे है, तो लोगों को लगता है कि यहाँ से शायद और नीचे जा सकता है, ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुका होता है और आपको नहीं पता होता है कि भाई ये जो है मार्केट का सपोर्ट लेवल और यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर जाना शुरू करेगा। और ज़्यादातर ट्रेडर को ये लगता है कि भाई अब यहाँ तक तो आया ही, मार्केट का जो है वो जो रन है वो डाउन की ओर हो चुका है, ठीक है, डाउन ट्रेंड चल रहा है, तो मैं यहाँ से एंट्री लेता हूँ, मार्केट और ही नीचे जाएगा, काफ़ी ज़्यादा आ चुका है तो और ही नीचे जाएगा, आज मार्केट ऊपर नहीं जाएगा। इसी तरह से मार्केट में जो है ट्रेडर ट्रेड ले लेते हैं और फिर उनका लॉस हो जाता है, क्योंकि वो ऑलरेडी अपने सपोर्ट लेवल पर होता है, वहीं से आगे चला जाता है। और उसका उल्टा अगर हम करें तो मार्केट अपने रेजिस्टेंस पर होता है, वहीं से ही वापस से मूव कर लेता है जब भी आप ट्रेड लेते हैं। ये समस्या जो है ज्यादातर ट्रेडर्स को होती है। तो अगर आपको पहले से ही पता हो कि दायरा कहां पे है आपके ट्रेडिंग का और आपके ऑप्शन का, कि भाई मार्केट जो है अब यहां से डाउन मूव लेने वाला है या अप मूव लेने वाला है, तो आपका लॉस होने से बच सकता है और इसकी मदद से आप अच्छा खासा पैसा ऑप्शन ट्रेडिंग में बना सकते हैं। आज मैं जो है आज की डेट में आपको लाइव ऑप्शन चेन दिखाना भी सिखाऊंगा और उसकी मदद से लाइव ट्रेडिंग करके भी दिखाऊंगा। तो वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड ऐसे नॉलेजफुल कंटेंट आगे भी देखना चाहते हैं, जिसमें लाइव ऑप्शन ट्रेडिंग भी हो सकती है और ऑप्शन ट्रेडिंग से किस तरह से या शेयर मार्केट से ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर क्रिप्टो मार्केट से किस तरह से पैसे कमाए जा सकते हैं, सारी चीज़ें अगर सीखना चाहते हैं आसान कंटेंट के साथ, जेन्यून कंटेंट के साथ, तो आपको मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही कंटेंट यहाँ पर मैं लाता रहता हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो दोस्तों मैंने जो है सबसे पहले आपको बताया था कि मैं सेंसिबल एप्लीकेशन में जो पहले भी आपको बताया उसका ही मदद से आपको ऑप्शन चेन देखना मैंने पिछले वीडियो में सिखाया था, लेकिन यहाँ पे मैं आपको सिखा देता हूँ। चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और मैं सेंसिबल का उपयोग करूँगा ऑप्शन चेन को देखने के लिए और फिर जाकर हम अपने एंजल मनी एप्लीकेशन में ट्रेड लेंगे। ओके, तो चलिए दिखाते हैं और आपको बताते हैं कि मुझे लॉस होता है या फिर प्रॉफिट होता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पर। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हम अपने सेंसिबल एप्लीकेशन में, सेंसिबल किस तरह से वर्क करता है, किस तरह से इसमें काम करना है, उसका मैंने एक डिटेल रिव्यू करा हुआ है जो पिछला वीडियो है, नहीं देखा अब तक तो देख लीजिएगा। तो ये हमारा डैशबोर्ड है, यहाँ पे आप स्ट्रेटजी भी बिल्ड कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी हैं जो आपको मैंने सिखाई है पिछले वीडियो में, देख सकते हैं। और डिटेल अगर आप वीडियो चाहते हैं सेंसिबल के बारे में एक स्टेप बाय स्टेप, तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो भी हम बना देंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपको एनालाइज वाले सेक्शन में यहाँ पर जाना होगा। चलिए उसके ऊपर जाते हैं। यहाँ पर पहला खास ऑप्शन जो है हमारा ऑप्शन चेन, तो उसके ऊपर हमें जाना होगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी भी स्टॉक के बारे में अगर आपको जानना है उसका ओपन इंटरेस्ट, तो आप यहाँ पे ऑप्शन चेन की मदद से जान सकते हैं। ये देखिए सारे किस ऑप्शन चेन हमारी ओपन हो चुकी है यहाँ पर और दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पर निफ्टी हमें ऑलरेडी जो है बैंक निफ्टी में देखना है, तो यहाँ पर बैंक निफ्टी सर्च कर सकते हैं या फिर जिस स्टॉक का आप देखना चाहते हैं उसे भी यहाँ पर सर्च कर सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी को ओपन कर लेते हैं। बैंक निफ्टी ओपन हो गया, लेकिन ये अभी हमें दिखा रहा है LTPO के, लेकिन हमें चाहिए ओपन इंटरेस्ट, तो यहाँ पे जो OI लिखा हुआ है उसके ऊपर क्लिक करेंगे। OI यानी ओपन इंटरेस्ट, तो ये हमारा ओपन इंटरेस्ट जो है आ चुका है हमारे सामने। यहाँ पे दुनिया भर की चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाई दे रही होगी, लेकिन हमें जब भी मार्केट ओपन होता है तो 300-400 पॉइंट ऊपर या 300-400 पॉइंट नीचे आपको देखना होगा। ये जो साइड में ग्रीन कलर का परसेंटेज आपको नज़र आ रहा है वो सारा है ओपन इंटरेस्ट। तो ये जो पुट साइड है वो है हमारा सपोर्ट एरिया और कॉल साइड जो है वो हमारा रजिस्ट्रेशन एरिया है। इस बात को आप याद रखिएगा, मैं जल्दी जल्दी थोड़ी समझाने की कोशिश करूँगा क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए। अगर ऑप्शन चेन के बारे में अगर आपको डिटेल रिव्यू चाहिए तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके बारे में और ओपन इंटरेस्ट के बारे में डिटेल वीडियो जो है आपको बता, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझनी होगी कि कॉल साइड जो है वो रजिस्ट्रेशन एरिया है और पुट साइड जो है वो हमारा सपोर्ट एरिया है। रजिस्ट्रेशन एंड सपोर्ट को अगर आप नहीं जानते तो मेरा पिछले वीडियो में मैंने काफ़ी ज़्यादा समझाया हुआ है, या फिर आप मेरा कोर्स भी खरीद सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल में समझाया हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाकर के चेक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देखिए 36,500 के आसपास अभी जो है हमारे यहाँ बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है, आप देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसके सामने यहाँ पे 300 पॉइंट अगर ऊपर, ये हमारा फॉर एग्जांपल जो है हमारा कॉल यानी कि रजिस्टर्ड एरिया, तो आप देख सकते हैं अगर यहाँ से ऊपर गया
500 से ऊपर गया तो कहाँ जाएगा, 600 पे जाएगा, 700 पे जाएगा, 800 पे जाएगा, यहीं ऊपर जाएगा, ओके, यहाँ पे ऊपर जाएगा। तो आपको देखना होगा कि 400 पॉइंट नीचे सबसे ज़्यादा जो रजिस्टेंट है, जो हमारा OI ओपन इंटरेस्ट है, वो कहाँ पे है, ओके। तो आप यहाँ पे ही देख सकते हैं 186% जो है वो यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि करंट मार्केट में अभी लाइव जितने भी 36,500 पे कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन हैं, ठीक है, वो कितने हैं उसके हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे दिखाया जाता है ओपन इंटरेस्ट, जिसके हिसाब से आप ये पता लग सके कि जिस तरफ ज़्यादा लोग जुड़े होंगे, यानी कि जहाँ जो कॉल तरफ ज़्यादा लोग जुड़े होंगे तो पुट तरफ मार्केट जाएगा, पुट तरफ ज़्यादा लोग जुड़े होंगे तो कॉल तरफ मार्केट जाएगा, ये आप सोच सकते हैं, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पे 186 पे अच्छा खासा सपोर्ट है, अच्छा खासा रजिस्टर है, इसका मतलब ये है कि जल्दी से इसे तोड़ेगा नहीं, ठीक है, 36,500 के ऊपर जल्दी से मार्केट नहीं जाएगा, ओके। तो आप समझ सकते हैं इनका मतलब, अगर अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे कि 36,518 के आसपास मार्केट है, तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुका है, अब यहाँ से ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा, मार्केट यहाँ से जो है नीचे की तरफ मूव लेना स्टार्ट करेगा, आप देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं भाई 87 के आसपास जो है पुट की साइड सपोर्ट बना रखा है, ठीक है, और जाएगा तो कहाँ पे जाएगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जाएगा, 400 की तरफ जाएगा, 400 की तरफ जाएगा, 300 की तरफ जाएगा, 200 की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो ओपन इंटरेस्ट आपको दिखाई रहा है, OI आपको दिख रहा है, वो कहाँ पे दिख रहा है, तो आपको आप बोलेंगे यहाँ पे आपको दिख रहा है 105 दिख रहा है परसेंट, ठीक है। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि भाई नीचे जाएगा जाएगा तो 400 तक जाएगा, उससे ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा मार्केट, क्योंकि यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है, वहाँ से मार्केट फिर से ऊपर की ओर मूवमेंट लेना स्टार्ट कर सकता है। अगर इस सपोर्ट को तोड़ देता है, 105 के सपोर्ट को अगर तोड़ देता है, तो फिर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट जो है 300 तक चला जाएगा, क्योंकि यहाँ पे फिर 99 का ही जो है ओपन इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे फिर सपोर्ट ले सकता है मार्केट, ओके। अगर इसे भी तोड़ दिया तो फिर 200 तक जाएगा, आप ये समझ रहे हैं, और अगर 200 को भी तोड़ दिया तो फिर 100 तक जा सकता है, ये आप बात समझ लीजिए। अगर 100 को भी तोड़ दिया तो फिर आप 3600 एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट यहां तक नीचे चला जाएगा, लेकिन ऐसा बहुत कम ही होता है। तो आपको अगर ये 100 पॉइंट की भी अगर मूवमेंट मिल गई तो आप समझ सकते हैं कितना अच्छा खासा पैसा जो है आपका बन सकता है। आई होप मैंने आपको ऑप्शन चेंज देख के बता दिया कि कितनी तरफ मार्केट मूव कर सकता है, आप पता लगा सकते हैं, अगर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुआ आई होप, लेकिन इतनी आसान भाषा में इसे समझाना, इससे आसान भाषा में समझाना थोड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है ऑप्शन चेन को लेकर के तो मुझे बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो अभी हमें पता चल चुका है कि मार्केट किस तरह से ऑप्शन चेन की देख सकता है, कितना दायरा जो है हम पता लगा सकते हैं कि मार्केट का दायरा कितना हो सकता है और मार्केट किस तरफ से मूव करेगा, ओके। तो चलिए अभी हम चलते हैं एंजल वन में और सीखते हैं कि इसकी मदद से हम किस तरह से ट्रेड ले सकते हैं, चलिए चलते हैं एंजल वन में, ओके। तो दोस्तों हमने ऑप्शन चेन में देखा कि मार्केट ऊपर की ओर मूव लेगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की ओर मार्केट खुला है, तो हमने यहाँ पे कॉल खरीद लिया है। देखते हैं ऑर्डर्स में जा करके कि क्या होता है, हमें लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो चलिए ऑर्डर में चलते हैं। और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मुझे 17,000 के आसपास का प्रॉफिट अभी लाइव करंट दिख रहा है, और ये लाइव ट्रेडिंग मैं आपके सामने कर रहा हूँ, कोई रिकॉर्डेड वीडियो नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए 20,000 तक मेरा प्रॉफिट अभी पहुँच चुका है, आप लाइव यहां पे देख सकते हैं 18,000 19,000 20,000 के पास पास हमारा प्रॉफिट जो है हो रहा है, 21,000 22,000 हो चुका है, 30,000 जितनी देर में बोल रहा हूं प्रॉफिट जा रहा है, आप यहां पे लाइव देख रहे हैं 26,000 के आसपास हमारा प्रॉफिट जो है वो जा चुका है, 26,000 27,000 के आसपास अपना प्रॉफिट जो है वो दिख रहा है आपको लाइव जहाँ देख पा रहे हैं आप। तो मैंने आपको बताया कि हमारा जो ऑप्शन चेन वाला नुस्खा है वो अच्छे से काम करता है, इसे आप प्रेपर ट्रेड भी कर लीजिएगा, उसकी बात करिएगा। देखिए 28,000 30,000 के आसपास आप देख सकते हैं मार्केट ने हमें प्रॉफिट बना करके दिया है, ओके। ऑप्शन चेन की मदद से आप देख सकते हैं कि 30,000 तक हमने प्रॉफिट यहाँ पे बना लिया है ऑलरेडी। अभी हम चाहें और अभी मैं इसे यहाँ पे एक्सिट कर दूँ तो सारा प्रॉफिट जो है वो मेरा है, कोई मुझे यहाँ पे कुछ नहीं बोल पाएगा, ओके। आप देख सकते हैं लाइव मार्केट में कि अभी 27,000 26,000 के आसपास मार्केट चल रहा है, और अगर मैं इसे यहाँ पे लाइव मार्केट में और यहाँ पे ट्रेड में एंट्री बनाए रखूँ तो हो सकता है मुझे 50,000 तक का बेनिफिट हो जाए, लेकिन इतना ज़्यादा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। 30,000 25,000 30,000 कोई कम रकम नहीं होती है 5-10 मिनट में, ओके। तो हो सकता है कि ये मार्केट में और ज़्यादा मूवमेंट आए, लेकिन यहीं से आपको एक्सिट कर लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 26,000 26,000 27,000 के आसपास का प्रॉफिट लाइव चल ही रहा है, और हम जो है यहाँ पे 30,000 का वेट करेंगे, जैसे ही 30,000 तक हो जाएगा मार्केट तब हम यहाँ पे एक्सिट कर लेंगे। तो देखते हैं 30,000 तक मार्केट जाता है या नहीं जाता है, लाइव मैं आपके सामने बता रहा हूँ। ऐसे वीडियो बहुत ही कम मिलेंगे आपको यूट्यूब पे, तो ऐसे नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा यार। तो देखिए अभी मार्केट थोड़ा नीचे अपना लो बनाने के लिए आया है,
20,000 तक वापस आया, अभी 22,000 के आसपास चल रहा है, देख रहे हैं आप 19,000। ओके, तो देखते हैं कि मार्केट कब तक 30 पे पहुंचता है, हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मार्केट धीरे धीरे ही ऊपर जाता है और धीरे धीरे ही नीचे जाता है, एक साथ ना ऊपर जाता है ना एक साथ नीचे जाता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए 25,000 का वापस से मार्केट ने बना लिया अपना हाई, अभी 27,000। ओके, और आप यहाँ पे देख रहे हैं लाइव ही 26,000 आसपास, 28,000। ओके, और ये 30,000 और 31,000, और मैं यहाँ पे अभी एक्सिट कर लेता हूँ जैसे ही मार्केट थोड़ा स्टेबल होता है। ओके, तो हमारा टारगेट जो है वो ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है 30,000 का, 32,000 तक, ओके 33,000 तक हो गया। तो चलिए मैं यहाँ पे अभी एक्सिट कर लेता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि मैं एक्सिट करूँ और मार्केट थोड़ा नीचे चला जाए, तो चलिए मैं यहाँ पे अभी एक्सिट कर लेता हूँ। ओके, थोड़ा वेट, ओके थोड़ा नीचे गया है मार्केट, थोड़ा वेट करना पड़ेगा क्योंकि हमें 30,000 ही चाहिए, 30,000 से कम नहीं चलेगा बिल्कुल भी। तो थोड़ा वेट करते हैं और मार्केट जैसे ही थोड़ा स्टेबल होता है तो हम यहाँ पे एक्सिट कर लेंगे। ओके, मुझे अब लगता है मैं अब यहाँ पे एक्सिट कर लेता हूँ। चलिए अभी मैंने ये एक्सिट कर लिया और ये एक्सिट। आई होप गाइज वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा और आप सीख चुके होंगे कि किस तरह से आप ऑप्शन चेन की मदद से जो है मार्केट का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मार्केट किस दायरे में जो है मूव करने वाला है या फिर कहाँ से कहाँ तक मूव कर सकता है। ओके, तो ये बहुत ही हेल्पफुल जो है एक टूल है ऑप्शन चेन, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन चेन के भरोसे नहीं रहना है। मैंने ऑलरेडी बहुत सारे जो है इंडिकेटर आपको बताए जिसका मैंने उपयोग किया है इस ट्रेड को लेकर के, तो आपको सबको क्रॉस वेरीफाई करना है। और ज़्यादा अगर आप सीखना चाहते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए, तो मैंने पर्टिकुलर उसके ऊपर एक कोर्स बनाया है जिसकी प्राइस पहले 1,000 रुपये थी लेकिन अभी 5,000 रुपये हो चुकी है, भविष्य में और भी बढ़ सकती है। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप जाकर के उसे चेकआउट कर सकते हैं अगर चाहिए और ऑप्शन से पैसे कमाना चाहते हैं तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल में सारी चीज़ें आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट, किस तरह से ट्रेड लेना है, किस तरह से ट्रेडिंग करनी, सारी चीज़ें सिखाई हुई हैं। ओके, और हम एक ग्रुप भी बनाने वाले, पेड ग्रुप, जिसमें हम कॉल देने वाले हैं आपको और उसका एक अलग से जो है पूरा सेटअप हम लगा रहे हैं जिसमें एक टीम पूरी बैठेगी। पहले हमने जो कॉल ग्रुप बनाया था उसमें क्या हो रहा था कि मैं ज़्यादातर बाहर ट्रैवल करता हूँ तो ज़्यादातर मैं आपको कॉल नहीं दे पाता हूँ, उस पर फोकस नहीं कर पाता हूँ। तो आगे क्या होगा कि जैसे ही हम इस ग्रुप को लॉन्च करेंगे तो उसके लिए एक स्पेशल पर्टिकुलर टीम हम बिठाएंगे, ओके, और जो आपके ऊपर ही काम करेगी और आपको जो है कॉल देगी। ओके, तो जल्दी ये लॉन्च होगा और जब भी होगा तो उसके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो जो है आपको बना दूंगा। इसको लेकर के आप इंटरेस्टेड हैं या नहीं वो मुझे कमेंट बॉक्स जरूर बताएगा ताकि मुझे पता चले कि इस तरह का काम मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद।